इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, केदारनाथ में अब गौमुख की धारा बहेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अब केदारनाथ में गौमुख की धारा बहेगी। अब केदारनाथ धाम में भी गौमुख जलधारा देखी जा सकेगी। मंदिर में प्रवेश से पहले पंच स्नान करना होगा। अब केदारनाथ तो जो तीर्थ यात्री होंगे वो मंदिर जाने से पहले पंच स्नान कर सकेंगे।